Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am also good. तो आज हम बनाएंगे रूहान के लिए दो मील्स, मतलब मैं एक ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ उसके लिए और एक लंच, और तकरीबन वो स्नैक टाइम में भी ये ले लेगा जो मैं उसको लंच में दूंगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका ब्रेकफास्ट बनाना। मैंने यहाँ पर ले लिया था साबुदाना। साबुदाना सर्दियों में लोग कहते हैं कि नहीं देना बच्चों चाहिए को, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसमें एक चीज़ ऐसी ऐड कर दें जो इसकी जो ठंडक है उसको ख़त्म कर देगा, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए वो बेस्ट है। बिल्कुल जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोटीन पाउडर की, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स की आपको पता है कि वो गर्म होते हैं थोड़े से और हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। तो अगर आप साबुदाना बनाते हुए थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर उसमें ऐड कर दें तो साबुदाने की जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आप उसको सर्दियों में दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर मैं साबुदाना इसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं उसको शाम में या रात में साबुदाना नहीं देती, तो इसीलिए मैं उसको मॉर्निंग में दे रही हूँ ताकि उसमें प्रोटीन पाउडर भी डल जाए और उसका एक मील भी रेडी हो जाए और उसका पेट भी भर जाए। तो यहाँ मैंने साबुदाना लेकर, मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली थी, जस्ट प्रोटीन पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया था और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखा था। फिर बस इसके अंदर हम इसका फॉर्मूला मिल्क एक स्पून ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और रूहान को सर्व कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये मैंने इसको फर्स्ट टाइम दिया था प्रोटीन पाउडर के साथ, अदरवाइज मैं उसको ऐसे ही साबुदाने की खीर वगैरह देती रहती हूँ तो वो माशाल्लाह से शौक से खाता है। तो यहाँ मैंने उसको प्रोटीन पाउडर के साथ फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन माशाल्लाह से रूहान ने ये भी बहुत शौक से खा लिया था। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए साबुदाना सर्दियों में बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर आप इस तरह प्रोटीन पाउडर इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से पकाकर उसको सिर्फ मॉर्निंग में भी देंगे ना, तो उसको अच्छा सा इनटेक मिल जाएगा और इसमें जितने कैल्शियम और प्रोटीन्स हैं उसको वो आराम से डाइजेस्ट भी कर लेगा और उसको नुकसान भी नहीं देगा। तो यहाँ पे साबुदाना हो चुका था रेडी, मैं ये करूँगी रूहान को सर्व। और इसको खिलाने के बाद करते हैं लंच की तैयारी। लंच में आज मैं बना रही थी रूहान के लिए वीट पोरेज। पहले मैंने वर्ले पोरेज बनाया था, तो आज मैंने सोचा इसके लिए वीट पोरेज बना लेती हूँ ताकि उसको टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाए और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है इसको खाने के बाद। तो यहाँ मैं बना रही थी इसके लिए चिकन। में चिकन की मैंने बोनलेस दो सिर्फ पीसेस लिए थे और उसको जूलियन कट कर लिया था। और यहाँ मैंने इसके लिए देसी घी यूज़ किया है, जो बस एक टेबल स्पून यूज़ किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा गार्लिक लिया है, लेकिन छोटा वाला, बिल्कुल देसी गार्लिक होता है ना, मैंने वो वाला गार्लिक इसके लिए यूज़ किया क्योंकि विंटर्स हैं। तो विंटर्स में इस गार्लिक के बेनिफिट्स भी बच्चों को लाजमी देने चाहिए, हम लोगों को भी लाजमी लेने चाहिए इसके, लेकिन मैं फ़िलहाल रूहान के लिए बना रही हूँ। तो हम इसको यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल सौते करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक बिल्कुल लाइट सा ये कलर चेंज करेगा। फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बच्चों की डाइजेस्ट के लिए, बहुत अच्छा है, और भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके अंदर फिर ऐड कर देंगे हम चिकन, बस ज़ीरा पाउडर और घी और गार्लिक में हम चिकन को अच्छी तरह से हल्का हल्के से फ्लेम पर भून लेंगे ताकि ये अपना पूरा कलर चेंज कर दे और ये थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, रूहान बगैर सॉल्ट के नहीं खाता तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ मैंने दो पिंच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ब्लैक पेपर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ख़ास वो आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हमने इसमें ये भी लाजमी ऐड करना है और इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पर मेरी चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, मैंने अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया उसका कलर चेंज होने तक। बस अब इसमें हम एक टोमेटो का पेस्ट बनाकर, मैंने सिर्फ एक टोमेटो लिया है, उसका अच्छी तरह से पानी डाल के और जूसर ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लिया है। अब मैंने इसमें वो ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए और बच्चे बहुत शौक से खाएं। तो यहाँ मैंने ये डाल के इसको हल्के से थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे और इसमें एक ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड करके और इसको गलाने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट्स मैंने चिकन गलाई थी, उसके बाद मैंने जाके इसमें वीट पोरेज ऐड किया था। तो यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। और दूसरी तरफ हम वीट पोरेज लेकर उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने वीट पोरेज के 5 टेबल स्पून लिए हैं क्योंकि मैं उसको स्नैक टाइम में भी यही दूंगी, रात में मैं उसको थोड़ा सा लाइट देती हूँ, तो इसलिए मैं स्नैक टाइम और लंच टाइम उसको थोड़ा सा हैवी दे देती हूँ। तो यहाँ वीट पोरेज को हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके, मैं इसका पाउडर नहीं बनाऊंगी, मैं इसको एज इट इज़ ही रखूंगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद
बाद हम इसको ऐड कर देंगे अपनी चिकन स्टॉक में, जो हमने टमाटर डाल के और बाकी सारा गार्लिक वगैरह डाल के वो रेडी कर रहे हैं हम, ये हम उसमें डाल देंगे। और इसको मिनिमम मैं हाफ आवर तक कुक करूँगी ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये व्हीट पोरेज भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मेरा व्हीट पोरेज भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया था और अब हमने इसको ऐड कर दिया है चिकन स्टॉक में। और पानी आप देख लें एक ग्लास के करीब ही है क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करने के लिए चिकन को रखा हुआ है। अब हम इसको हाफ आवर के लिए कुक करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। देखें यहाँ हाफ आवर कम्प्लीट हो चुका था तो मैंने लिड खोल के देखा तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, चिकन भी और व्हीट पोरेज भी। अब यहाँ पर मैं ये विस्क यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए और चिकन अपने रेशे भी छोड़ दे और ये जो पोरेज है ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे देखें कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करा, कोई मशीन यूज़ नहीं करी, लेकिन ये इतना अच्छा सा रेडी हो गया है। देखें बिल्कुल पोरेज के भी कोई भी पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ हमारा पोरेज हो चुका है रेडी। अब हम करते हैं इसको रूहान को सर्व और माशाल्लाह से ये भी रूहान ने बहुत शौक़ से खाया था। मिर्चें भी बिल्कुल हल्की सी थी और सॉल्ट भी बहुत हल्का सा था और इसका फ्लेवर भी उसको बहुत 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 अच्छा लगा। तो यहाँ करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियोस एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।